लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन की थी उससे पहले हम लिमिट और कॉन्टीन्यूटी पढ़ते रहे हैं और जब हम लिमिट और कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे तो लिमिट और कंटिन्यूटी का हमने आपस में रिलेशनशिप भी सीखा था कि लिमिट की मदद से कंटिन्यूटी किस तरह से डिसाइड की जा सकती है इस तरह से नेचुरली एक जहन में क्वेश्चन आता है क्या कॉन्टीन्यूटी और डिफेंसीबिलिटी का भी आपस में कोई रिलेशन है आज यही रिलेशन हम प्रूफ करेंगे और आज के लेक्चर में हम ये प्रूफ करेंगे कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो तो वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी होता है और इस स्टेटमेंट के कन्वर्स स्टेटमेंट होती है कि अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा लेकिन ये कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है उसके लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेंगे ऐसे फंक्शन की जो कॉन्टीन्यूस तो है लेकिन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि डेरिवेटिव जिस फंक्शन का एग्जिस्ट करे वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है उसके लिए हमारे पास थ्योरम है थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर आई एक इंटरवल हो ये आर का सबसेट हो एफ हमारे पास आई से आर के ऊपर एक फंक्शन हो और फर्ज करें इसका डोमेन के एक पॉइंट सी के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो तब हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट सी के ऊपर कंटिन्यूस भी होगा अगर फंक्शन इंटरवल आई से आर पर डिफाइन हो फंक्शन का डोमेन के एक पॉइंट सी के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो प्रूव ये करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है ये डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी और डेफिनेशन ये कहती है कि अगर लिमिट एक्सप्रोच टू सी एफ आफ एक्स माइनस एफ आफ सी ओवर एक्स माइनस सी एग्जिस्ट करे तो इसी को हम फंक्शन का डेरिवेटिव कहते हैं अगर वो थ्योरम के स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि डेरिवेटिव है तो इसका मतलब है ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ये बात हमें अब गिवन है पॉइंट सी के ऊपर हमने साबित यह करना है कि फंक्शन पॉइंट सी के ऊपर कंटिन्यूस है क्या तरीका होता है हमने सीखा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस लेक्चर्स में कि फंक्शन डोमेन के एक लिमिट पॉइंट सी के ऊपर कंटीन्यूस होता है इफ़ एंड ओनली इफ सी के ऊपर फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम हो अगर डोमेन का ऐसा पॉइंट लिया जाए जो लिमिट पॉइंट है तो उस लिमिट पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटीन्यूस होगा इफ़ एंड ओनली इफ सी पर लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आए यहाँ पर हमने फंक्शन को कंटीन्यूस प्रूफ करना है सी पर और ये सी लिमिट पॉइंट है आप कहेंगे स्टेटमेंट में कहीं जिक्र नहीं है कि सी लिमिट पॉइंट है तो आपको क्या इल्हाम आ गया है कि सी लिमिट पॉइंट है जी बिल्कुल सी लिमिट पॉइंट है क्यों भला सी इंटरवल का एक पॉइंट है और लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि अगर इंटरवल डोमेन है हमारी तो इंटरवल का हर पॉइंट ही उसका लिमिट पॉइंट हुआ करता है और यह भी आपको याद रहना चाहिए कि डेरिवेटिव हमेशा लिमिट पॉइंट्स पर ही डिस्कस किया जाता है अगर वो कह रहा है कि डेरिवेटिव मौजूद है सी पर तो ऑब्वियसली फिर सी लिमिट पॉइंट ही है कहीं सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ लेकिन अगर गौर से देखेंगे तो आपको सी नज़र आ जाएगा कि एक लिमिट पॉइंट है और हमें इस पे फंक्शन को कंटिन्यूस साबित करना है हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन नहीं प्रूव करेंगे बल्कि सी के ऊपर फंक्शन की लिमिट मालूम करेंगे वैल्यू मालूम करेंगे और प्रूव करेंगे कि ये दोनों इक्वल है ऐसा करने से प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन सी पर कंटिन्यूस है अगर हमने फंक्शन की लिमिट और वैल्यू को सेम करना है और हम प्रूव कर लें कि लिमिट एक्सपोचेज टू सी एफ आफ एक्स माइनस एफ आफ सी ज़ीरो के इक्वल है अगर हम ये रिजल्ट प्रूव कर लें तो लिमिट अलग अलग लेकर एफ आफ सी की लिमिट तो एफ आफ सी ही आ जाएगी एफ एफ सी को राइट right साइड पर ले जाएंगे तो लिमिट एक्सपोर्चेज टू सी एफ आफ एक्स एफ आफ सी के इक्वल आ जाएगा तो बेसिकली अब हमने एफ़ आफ एक्स माइनस एफ एफ सी की लिमिट एक्सपोर्च टू सी हल करनी है एफ़ आफ एक्स माइनस एफ़ सी की लिमिट हल करना चाहते हैं और एफ आफ एक्स माइनस एफ सी की लिमिट हल करने के लिए हमें ये भी याद रहना चाहिए कि हमारे पास ये वाली लिमिट जो है वो मौजूद है ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या किया जाए फिर एफ आफ एक्स माइनस एफ सी की लिमिट हल करना चाहते हैं एफ आफ एक्स माइनस एफ़ सी ओवर एक्स माइनस सी की लिमिट मौजूद है तो एफ आफ एक्स माइनस एफ़ सी से एफ आफ एक्स माइनस एफ सी ओवर एक्स माइनस सी बना लेते हैं कैसे बनाएंगे एफ आफ एक्स माइनस एफ आफ सी को हम डिवाइड कर लेंगे एक्स माइनस सी से और मल्टीप्लाई भी कर लेंगे एक्स माइनस सी से इस तरह से हमारे पास एफ आफ एक्स माइनस एफ आफ सी ओवर एक्स माइनस सी बन गया है और इसकी लिमिट हमें मालूम है कि एग्जिस्ट कर रही है और एफ आफ एक्स माइनस एफ आफ सी की लिमिट एक्सपोचिस टू तो सी हम हल करना चाहते हैं ऐसा करते हैं इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर लिमिट एक्सपोचिस टू तो सी ले लेते हैं राइट right साइड पर अब हमारे पास दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की लिमिट है जिनमें से एक फंक्शन एक्स माइनस सी है और एक फंक्शन एफ आफ एक्स माइनस एफ एफ सी ओवर एक्स माइनस सी है अगर हम इस प्रोडक्ट की लिमिट को अलग अलग लिमिट में चेंज कर सकें तो हमारा मसला हल हो जाएगा क्या फंक्शंस के प्रोडक्ट की लिमिट को अलग अलग लिमिट में चेंज कर सकते हैं इसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि अगर दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की लिमिट आप एक्सपोचेस टू सी हल करना चाहते हैं उनमें से दोनों की लिमिट मौजूद है तो फिर प्रोडक्ट की लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं और यहाँ पे जिन दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की लिमिट हम हल करना चाहते हैं उनमें से एक्स माइनस सी की लिमिट एक्सपोच टू सी मौजूद है एक्स की जगह सी लिखें तो सी माइनस सी जीरो बन जाती है और एफ आफ एक्स माइनस एफ आफ सी ओवर एक्स माइनस सी की लिमिट एक्स प्रोचिस टू सी मौजूद है क्योंकि ये फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल है और उसने कहा है कि डेरिवेटिव है डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब है इन दोनों प्रोडक्ट वाले फंक्शंस की लिमिट्स हमारे पास मौजूद हैं हम इन दोनों की लिमिट्स को अलग अलग कर सकते हैं तो हमने राइट साइड पर लिमिट एक्सपोच टू सी एफ एफ एक्स माइनस एफ एफ सी ओवर एक्स माइनस सी को अलग कर लिया और लिमिट एक्सपोच टू सी एक्स माइनस सी तो को अलग कर लिया ये जो पहली लिमिट है ये डेफिनेशन के मुताबिक एफ़ डैश सी के इक्वल है इसकी जगह यहाँ हम एफ़ डैश सी लिख लेते हैं और दूसरी लिमिट को हल कर लेते हैं कैसे x की जगह c लिखकर ये लिमिट c माइनस सी जीरो आ गई जीरो के साथ एफ डैश सी मल्टीप्लाई हो रहा है एफ डैश सी रियल नंबर है इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी है क्या है जब हम कह ही रहे हैं कि एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मतलब है ये कोई रियल नंबर है ये इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं है अगर तो एफ डैश सी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होता तो फिर ज़ीरो इंटू इन्फिनीटी अनडिफाइंड चीज़ होती लेकिन एफ डैश सी एग्जिस्ट करने का मतलब है ये एक रियल नंबर है जीरो को हम एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जीरो को जब हम एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब जीरो आ जाएगा लिमिट एक्सप्रोचिस टू सी एफ एफ एक्स माइनस एफ एफ सी का आंसर जीरो आ गया है यहाँ डिफरेंस में लिमिट अलग अलग कर लेते हैं कर लें आप कहेंगे कि थोड़ा सोच लेना चाहिए जैसे प्रोडक्ट में लिमिट अलग अलग करने से पहले हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट में लिमिट उस वक्त अलग अलग की जा सकती है जब दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हों तो यहाँ पे भी अगर डिफरेंस में लिमिट अलग अलग करनी है तो दोनों लिमिट्स को एग्जिस्ट करना चाहिए उसके लिए एक रिजल्ट हम बना सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एफ एक्स हो और एफ एफ एक्स में से कोई एक नंबर माइनस हो रहा हो और इसकी लिमिट हम हल कर रहे हों और इसकी लिमिट का आंसर हमारे पास कुछ आ रहा हो तो एक ही सूरत में आ सकता है कि एफ़ एक्स की लिमिट हल हो रही हो अगर एफ़ एक्स की लिमिट हल ना हो रही हो तो फिर दोनों के डिफरेंस की जिनमें से एक कांस्टेंट नंबर है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती है क्योंकि दोनों के डिफरेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ज़ीरो आंसर आ रहा है तो ये तो सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि लिमिट एक्स भी एग्जिस्ट करे और लिमिट एक्सपोर्च टू तो सी एफ एफ सी तो हमें पता ही है कांस्टेंट है एफ एफ सी ही आ जाएगी दोनों की डिफरेंस की लिमिट को अलग अलग कर लिया और एफ एफ सी को राइट साइड पर ले गए तो लिमिट टू सी एफ एफ एक्स एफ एफ सी के इक्वल आ गया क्या यही करना चाहते थे जी कंटिन्यूस प्रूफ करना था और कॉन्टीन्यूस प्रूफ करने के लिए हम यही काम करना चाह रहे थे हमने सी के ऊपर फंक्शन की लिमिट और वैल्यू को इक्वल प्रूफ कर लिया और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम प्रूव हो गया क्या प्रूव हो गया कि फंक्शन पॉइंट सी के ऊपर कंटिन्यूस है थ्योरम के अंदर हमें गिवन ये था कि फंक्शन का डोमेन के एक पॉइंट सी के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है साबित करें कि फंक्शन उस पॉइंट सी पर कंटिन्यूस है हमने डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस का इस्तेमाल किया और फंक्शन की लिमिट और वैल्यू को सी पर सेम करके प्रूव कर लिया है कि फंक्शन कंटीन्यूस है आइंदा से आप इस रिजल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी एक क्वेश्चन में डेरिवेटिव और कंटिन्यूटी दोनों को डिस्कस करना हो तो आप फंक्शन के डेरिवेटिव को डिस्कस कर लें अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया तो कंफर्म है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी होगा और अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना किया तो कंटिन्यूटी को फिर अलग से चेक कर लें क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे तो भी फंक्शन हो सकता है कॉन्टीन्यूस हो यही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने लगे हैं ज़रूरी नहीं होता के कंटिन्यूटी अश्योरेंस दे दे कि फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जहां पर फंक्शन कंटीन्यूस होता है और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है एग्जांपल है हमारे पास फंक्शन एफ एफ एक्स एक्स मॉडल्स के इक्वल है प्रूव ये करना चाहते हैं कि ये फंक्शन ज़ीरो पर कंटिन्यूस है और इस फंक्शन का एफ़ टैश ज़ीरो यानी ज़ीरो पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है थोड़ा सा याद करें इस फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो पर एग्जिस्ट नहीं करता है ये बात हमने लास्ट टाइम प्रूव की थी आज हम प्रूव करेंगे स्पेशली कि फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूस है वैसे तो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूस है इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो भी हमने लास्ट टाइम देखा था कि किस तरह का होता है ज़ीरो से छोटे नंबर्स के लिए एफ एफ एक्स माइनस एक्स के इक्वल होता है ये इसका ग्राफ है और जीरो और उससे बड़े नंबर्स के लिए एफ एफ एक्स एक्स के इक्वल होता है ये इसका ग्राफ है ज़ीरो के ऊपर वेज सा बन रहा होता है ज़ीरो पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन फंक्शन के ग्राफ में जीरो पर कोई गैप नहीं आ रहा तो फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूस है इस बात को हम इस वक्त यहाँ बाकायदा प्रूफ करेंगे पहले फंक्शन की कंटिन्यूटी को प्रूव करेंगे एफ आफ एक्स एक्स मॉडल जो है वो हमारे पास इक्वल है एक्स के अगर एक्स जीरो या जीरो से बड़ा हो अगर एक्स जीरो से छोटा हो तो माइनस एक्स के इक्वल है अगर हमने जीरो पर कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है तो हमें कंटिन्यूटी को डिस्कस करने के लिए बेसिकली ज़ीरो पे फंक्शन की लिमिट और वैल्यू को सेम करना है ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू निकालें एक्स अगर ज़ीरो के इक्वल हो तो इस फार्मूले से एफ एफ ज़ीरो का आंसर ज़ीरो आ गया ज़ीरो पे लिमिट निकालनी है ज़ीरो पर जब हम लिमिट निकालने के बारे में सोचते हैं तो ज़ीरो के करीब ज़ीरो से बड़े नंबर्स पर फंक्शन का फार्मूला एक्स है और ज़ीरो के करीब ज़ीरो से छोटे नंबर्स के लिए फंक्शन का फार्मूला माइनस एक्स है क्या किया जाए बिल्कुल सही सोच रहे हैं इसका मतलब है हमें ज़ीरो के करीब लिमिट लेते हुए ज़ीरो से छोटे नंबर्स के लिए अलग लिमिट लेना होगी और ज़ीरो से बड़े नंबर्स के लिए अलग लिमिट लेना होगी यानी हमें लेफ़्ट और राइट right लिमिट लेना होगी पहले लेफ्ट लिमिट लेते हैं लिमिट एक्स पोचिस टू ज़ीरो माइनस एफ एफ एक्स जब एक्स जीरो के करीब है और ज़ीरो से छोटा है तो फंक्शन माइनस एक्स के इक्वल है एफ एफ एक्स की जगह यहाँ हमने माइनस एक्स लिखा इसकी लिमिट हल की एक्स की जगह ज़ीरो लिखा तो हमारे पास ज़ीरो लिखने से माइनस ज़ीरो यानी ज़ीरो लेफ़्ट लिमिट फंक्शन की ज़ीरो पर ज़ीरो निकल आई राइट लिमिट हल करते हैं लिमिट एक्स पोर्टिस्ट टू तो जीरो प्लस एफ आफ एक्स एक्स जीरो प्लस का मतलब है ज़ीरो के करीब और जीरो से बड़े हैं ज़ीरो से बड़े अगर एक्स हैं तो एफ आफ एक्स एक्स के इक्वल है एफ आफ एक्स की जगह यहाँ हमने एक्स लिख लिया लिमिट हल की ज़ीरो आंसर आ गया फंक्शन की ज़ीरो पर लेफ्ट लिमिट और फंक्शन की ज़ीरो पर राइट लिमिट दोनों का आंसर सेम आ गया है क्या मतलब हुआ मतलब ये हुआ कि जीरो पर फंक्शन की लिमिट का भी यही आंसर है जीरो पर फंक्शन की लिमिट हमने हल की है ज़ीरो है ज़ीरो पे हमने फंक्शन की वैल्यू हल की है जीरो है लिमिट और वैल्यू दोनों का आंसर क्या आ गया है दोनों का आंसर सेम आ गया है और इसका मतलब है ये फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूस है फंक्शन को हमने ज़ीरो पर कंटिन्यूस प्रूव कर लिया है फंक्शन का जीरो पर डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट कर रहा ये हमने प्रूफ करना है लास्ट टाइम भी किया था डेरिवेटिव हल करना चाहते हैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है डेरिवेटिव चूंकि ज़ीरो पर हल करना है तो इसमें सी की जगह जीरो लिख लें एफ डैश जीरो आ गया लिमिट एक्स पच्चीस टू जीरो एफ एफ एक्स माइनस एफ आफ जीरो ओवर एक्स माइनस जीरो के एक्स माइनस जीरो एक्स बन गया तो लिमिट एक्स पोचिस टू जीरो एफ आफ एक्स माइनस एफ जीरो ओवर एक्स लास्ट टाइम भी किया था दोबारा करवा रहा हूँ जीरो के करीब चूंकि फंक्शन के दो फार्मूले हैं तो लेफ़्ट डेरिवेटिव और राइट right डेरिवेटिव की बात करेंगे लेफ्ट डेरिवेटिव में लिमिट एक्सपोचेस टू ज़ीरो माइनस लेंगे जीरो से छोटे नंबर्स के लिए एफ एफ एक्स माइनस एक्स के इक्वल है एफ एफ एक्स की जगह यहाँ माइनस एक्स लिखेंगे एफ ऑफ जीरो हम देख चुके जीरो है उसकी जगह ज़ीरो लिखेंगे लिमिट हल करने के लिए एक्स को एक्स से कैंसिल कर देंगे तो माइनस वन आ जाएगा लिमिट एक्सपोचिस टू जीरो माइनस माइनस वन जो लेफ्ट डेरिवेटिव है वो हमारे पास इस वक्त इक्वल आ रहा है लिमिट एक्सपोच टू जीरो माइनस माइनस वन के इसकी लिमिट हल करते हैं वैसे तो हल हो ही गई है चूँकि कांस्टेंट आ गया है तो लिमिट का आंसर माइनस वन ही आ जाएगा लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं पहले राइट right डेरिवेटिव के लिए कैलकुलेशंस कर लेते हैं राइट right डेरिवेटिव में लिमिट टू ज़ीरो प्लस लेंगे और जीरो से बड़े नंबर्स के लिए एफ एफ एक्स की जगह एक्स लिख लेंगे एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा राइट डेरिवेटिव एफ डैश जीरो जो है वो लिमिट टू ज़ीरो प्लस वन है और ये लिमिट भी हल हो चुकी है चूंकि कांस्टेंट है वन ही लिमिट आ गई है तो हमारे पास जो लेफ्ट डेरिवेटिव है उसमें लिमिट एक्सपोचिस जीरो माइनस माइनस वन की हल करें तो वो माइनस वन के इक्वल आ गई और जो हमारे पास राइट right डेरिवेटिव है उसमें लिमिट एक्सपोचिस जीरो प्लस वन की हल करें तो वो राइट डेरिवेटिव जीरो पर वन आ गया लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव सेम नहीं आए और लास्ट लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि जब लेफ़्ट और राइट डेरिवेटिव सेम ना आए तो इसका मतलब होता है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एफ डैश ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हमने एक एग्जांपल देखी है जिसमें फंक्शन कंटिन्यूस है और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस तरह की आप और भी बहुत सारी एग्ज़ैम्पल्स बना सकते हैं मसलन अगर मॉडल्स ही फंक्शन लेना हो तो एफ एफ एक्स इज टू एक्स माइनस वन का मॉडल्स लें तो ये वन पर कंटिन्यूस है और वन पर इसका डेरिवेटिव एग्जस्ट नहीं कर रहा इस तरह से मॉडल्स की और वेरिएशन भी आप चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है लेकिन डेरिवेटिव एग्जस्ट नहीं कर रहा मॉडल के अलावा भी आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी जिनमें फंक्शन कंटीन्यूस है और उसके डिरेवेटिव एग्जस्ट नहीं कर रहे हैं वो एग्ज़ाम्पल्स ढूँढनी है तो आप ढूंढ़ें गूगल बाबा की हेल्प ले सकते हैं कुछ लोगों को गूगल अम्मा लगती है वो गूगल अम्मा से भी हेल्प ले सकते हैं ये आपकी अपनी चॉइस है आज के लिए इतना ही रखते हैं मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले दिनों में